हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहा है 4। हम लोग लंच वगैरह से फ्री हो गए थे तो मैंने कहा एक अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। और किंशु बाहर है, खेल रहा है और मैं अंदर यहाँ पे बेडरूम में हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कंचन धवन के ऊपर वापस से, क्योंकि एक लोग हैं जो काफ़ी कुछ मतलब बोलते वो ये हैं कि बड़ा लोग बोलते हैं बड़ा वो बोल नहीं बोलना चाहिए, बड़ा कौर खा लेना चाहिए। तो शायद वो इस चीज़ पे खुद फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल वो भी बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए। हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, क्योंकि फ्यूचर हमने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है। जो भी होना है उनकी मर्ज़ी से होना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, कि आपने किसी इंसान से अभी सिर्फ रिश्ता चल रहा है, किसी की बात चल रही है, कोई अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं कि जो लेडी होती है ना, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें गुजरती हैं, वो खुद ही मेंटली बहुत टूटी हुई होती है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप अभी कुछ हुआ नहीं है, आप उनको फियांसे बोलने लगी, कैसी ये कहाँ की वो है? ऐसे तो फिर लड़कियों के कितनी शादियों की बात चलते हैं शादी से पहले, मेरे भी कितनी शादी के लिए बात चली होगी लड़के वालों के यहाँ, लोगों के यहाँ पे। तो क्या जिनके यहाँ बात चली सब मेरे फियांसे होंगे? जगह पे हम मेरी सिस्टर इन लॉ की बात चली होगी तो क्या वो सारे फियांसे हो गए उनके? तो आप एक बार फियांसे का मीनिंग देखना, गूगल करना, तो आपको पता लगेगा। फियांसे हमारी इंगेजमेंट उन्होंने कहीं प्रोफेशनली अपना अपलोड नहीं किया कहीं पर भी, कोई कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं, आप उनको फियांसे बोलने लगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हाँ मेरे घर वाले कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। ठीक, दूसरी बात आपने बोली इतना किस्मत वाली नहीं है, इतना किस्मत वाली नहीं है। तो यार किस्मत वाली तो वो बहुत अच्छी किस्मत है उनकी, उनको एक बच्चा दिया है भगवान ने, उनकी माँ है, उनकी फैमिली है, उनका भाई है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे लगता है अच्छी किस्मत है। और देखना आगे, मुझे लगता है अगर उन्होंने सही स्टेप लिया इससे रिलेटेड, तो मुझे लगता है और शायद अच्छी हो जाए उनकी किस्मत। सिर्फ किस्मत में एक चीज़ बहुत बुरी हुई है, जो कि शायद कभी कोई उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी और चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, रुपया पैसा धन ये सब हम दोबारा से कमा सकते हैं, लेकिन जो इंसान जाता है ना, वो हम दोबारा से उसको नहीं कमा सकते, वो फिर चला जाता है हमेशा के लिए। तो बस ये एक उनकी किस्मत आप बोल सकते हो कि ख़राब है। और तीसरी बात कि आप सिर्फ आप अपने टॉपिक को लेके, सिर्फ आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए आप पूरे ग्वालियर को बदनाम कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कल लाइव में ही बोला कि ग्वालियर वालों की टंग बहुत गंदी है। तो मैं भी ग्वालियर से हूँ, आप मुझे बताना मेरी टंग क्या आपको गंदी लग रही है? क्या मैं जो बोल रही हूँ आपको गंदा लग रहा है? क्या मैं जो अपने वर्ड्स निकाल रही हूँ, क्या वो मैं गलत शब्द निकाल रही हूँ? तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने यही बोला था कि ग्वालियर वालों की टंग बहुत गंदी है और ग्वालियर वालों की मेंटालिटी अच्छी नहीं है, आपने कुछ मेंटल वाइज कुछ बोला था, तो आपका कहने का मतलब यही था कि मेंटालिटी अच्छी नहीं है उनकी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि सिर्फ आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो आप पूरे ग्वालियर को आप बदनाम कर रहे हो? प्लीज़, जो आपका ये वीडियो देखेगा ना, जो आपकी लाइव देखेगा ग्वालियर वाला, तो ग्वालियर वाला देखेगा तो वो तो ज़रूर गुस्सा होगा आपसे। प्लीज़ ऐसा मत करो आप। अगर आपके चैनल पे किसी ने भी रिपोर्ट कर दिया ना इससे रिलेटेड, तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ ये सब र्यूमर्स मत फैलाओ कि ग्वालियर वाले ऐसे हैं वैसे हैं। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और जिसके लिए ये टॉपिक उठा है, मैं उस पर एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या आप जब किसी की जॉब करते हो, मैं ऐसे ही नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन कर रही हूँ, आप करते हो किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, तो आपको उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस कंपनी के फॉलो करने होते हैं, है ना? बोला ना, सही बोला ना मैंने? तो इस हिसाब से जो कंचन धवन जी कर रही हैं, वो भी यूट्यूब में जॉब कर रही हैं एक तरीके से, और यूट्यूब खुद ही कहता है कि आपके थंबनेल और टाइटल
ऐसे होने चाहिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया नहीं था, बोला नहीं है उन्होंने वीडियो में, उन्होंने कुछ भी गंदा चीज़ अपनी माँ के लिए कुछ नहीं बोला है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने अपनी माँ की बेइज्जती कर दी? क्योंकि आपने कल अपने वीडियो में या फिर वीडियो में बोला है कि ऐसे नहीं करते अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं करते, तो क्या कर दिया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने अपनी माँ को बेइज्जत कर दिया? क्या उन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया? क्या कर दिया ऐसा? सिर्फ थंबनेल डालने में आप ऐसे इतना बवाल उठा रही हो। तो आप एक बार ये बताओ कि आपने बोला कि उनकी माँ को हम अपनी माँ की जगह पे रख के देखते हैं, तो आप जो डाल रही हो मामा मामी इन लोगों के ऊपर, उनको तो हम डबल माँ, पता है आपको मामा में दो मामा आते हैं, माँ माँ, हम तो सिर्फ अपनी माँ को बोलते हैं, जो माँ है ना माँ से ही ननिहाल बनता है, तो उसमें डबल मामा आते हैं, माँ से भी बढ़कर होते हैं वो मामा, ठीक है? हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि मामा माँ से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि उसमें दो माँ आते हैं। तो आप तो उनको इस तरीके से बदनाम कर रही हो, इतना गंदा बोलती हो, हमें भी बुरा लगता होगा, क्योंकि हम तो अपने मामा को बहुत प्यार करते हैं, हम तो उनको बहुत इज्जत देते हैं, तो हमें भी बुरा लग रहा है आप जो कर रहे हो अपने वीडियोज़ में मामा मामी की, मामा मामी के लिए। तो उन्होंने क्या बेइज्जती कर दी अपनी माँ की? क्या बेइज्जती कर दी? अगर आपको इतना ही लग रहा है तो जाके दूसरों के ऊपर भी थोड़ा बोलो, देखो दूसरों के चैनल पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दूसरों के चैनल पे? उन्होंने तो सिर्फ अपनी माँ को लेके बोला है, बताया है, अपनी माँ की जर्नी बताई है, अपनी माँ के ऊपर थोड़ा सा एक टाइटल डाल दिया है जिसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, और लोग तो अपनी माँ को डांस करवाने पर मजबूर हो गए हैं। आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनके ऊपर थोड़ा सा आप बोल सकते हो, उनके ऊपर बोलो तो समझ में आता है, वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, मिडिल क्लास फैमिली में ये सब नहीं होता है, और जो ये वीडियोस में जो सब दिखा रहे हैं वो भी मिडिल क्लास हैं, इतना लोअर नहीं है और इतना हायर भी नहीं है, वो भी मिडिल क्लास हैं, जिसके जिनके दो बेटे हैं, तो क्या उनके बेटों को ये सब पसंद आता होगा? मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद आता होगा। तो प्लीज़ उनको आप बोलिए, मैंने भी बोला है कहीं ना कहीं उनको, उनके कमेंट सेक्शन में बोला है कि ये सब अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से लोग, और इस तरीके से जो होता है ना वीडियोस में, उस पे लोग माओं की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उस पे लोग माओं को गालियाँ देते हैं और माओं की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इसलिए यार जो भी कर रहा है यूट्यूब पे काम कर रहा है, और ये चीज़ तो तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास कोई आपका मेंटली सपोर्ट नहीं है, आपका हस्बैंड भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, और आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी हो जाती है, और आपको उस जॉब में 101% देना होता है, ठीक है ना? उनके पास उनका बेटा है, उनका भाई है, जिसका आगे फ्यूचर उनको ही देखना है, उन लोगों को ही देखना है, उसका फ्यूचर भी उसको बनाना है, उसकी उसको अच्छी पढ़ाई देनी है, और उनका बच्चा तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है उसकी जर्नी, उनकी माँ है, तो उन सबको देखना है, उन सबको लेकर आप एक बार उनकी जगह पे, कंचन धवन की जगह पे अपने आप को रख कर देखना। माँ है ना वो जीने नहीं देता है, एक बार हस्बैंड होता है ना तो इंसान की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है, अगर अकेला होता है ना इंसान तो मुझे लगता है नोच खाता है। और ऐसे कुछ लोग जो वाईटी पे इतने घटिया लोग आ गए ना, इनका भी सफाया करना है। इन लोगों को लगता है कि ये लड़कियों की इज्जत ना अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं, तो ये बहुत गलत फहमी में है सभी लोग, ठीक है ना? कुछ घटिया लोग वाईटी पे भी आ गए हैं, इनको सफाया करना है इनका। और अगर आपको ऐसा ही पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके सफाई करना है ना, तो ऐसे गंदे लोगों की करो सफाई जो ये वाईटी पे गंद फैला रहे हैं, लोगों को औरतों की औरतों के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, उनके उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे आप वीडियो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए किसी को बोलने से पहले एक 100 बार सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या वर्डिंग यूज़ कर रहे हो। तो बस इतना ही मुझे कहना था, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।